أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

तो बनी इसराइल से खिताब जो है चल रहा है और ये तीन चार रुको और भी जो है चलता रहेगा तो बनी इसराइल से खिताब किस लिए है क्योंकि उन लोगों को जो है एतराज़ था कि हम लोगों को क्यों माज़ूल किया गया और काफ़ी दिनों तक हम लोग जो है चीज़ा उम्म बने रहें अल्लाह तिप्रजेंटेटिव ऑफ गॉड रहे लेकिन अल्लाह ते फ़ज़ीलत हम लोगों से क्यों छीन लिया ख़ास तौर से तमाम रसूल हमारे ही में आए इब्राहिम इब्राहीम के बाद तो फिर ये आखिरी रसूल उधर क्यों चले गए तो उस पर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम लोग जो हक़ नहीं अदा कर रहे थे तो इस लिहाज से ये मनसब छीन लिया गया है तो उसी में से अल्लाह ताला ने बताया कि देखो ये ये अहद लिया था तुम अहद नहीं पूरा किए तो इस लिहाज से तुम लोगों को रखना मुनासिब नहीं बनता था तो उसी में से कुछ और मिसालें अल्लाह ताला दे रहा है वईज़ अख़ज़ना खजना मीसा कबनी इसराइल याद करो जब हमने लिया पुख्ता अहद किससे बनी इसराइल से क्या था पुख्ता अहद में से अहम अहम बातें कि ला तबून अल्लाह तुम लोग इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह की एक ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओ नंबर दो वबिल वालदेन एहसाना और वालदेन के साथ हुसन सलूक का मामला करोगे नंबर तीन वजी क़ुरबा वल मसाकी और करीबी रिश्तेदार यतीम और मस्किन इनके साथ भी हसन सलूक का मामला करोगे तुम लोग और जहाँ तक आम लोग हैं तो वन्नाज हुसन और लोगों से अच्छी बात क्या करोगे आम पब्लिक से भली बातें अच्छी बातें और वाक़ी सलाज़क़ा और नमाज मुस्तकिल तौर से कायम रखोगे और ज़क़़त अदा करते रहोगे ये मोटी मोटी बातें अल्लाह ताला ने उनसे हाथ लिया था सुमातवलई तुम तुम लोग फिर फिर गए इल्ला कलीलम मिनकुम, सिवाय थोड़े से के वोजून और तुम लोग हो ही इराज करने वाले तो आज भी आप देख लीजिए कि सेम बनी इसराइल जिस पोजिशन पर थी उस पोजिशन पर आज उम्मत। अल्लाह तब्ला अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो अक्सर बेशतर शिरक ही कर रहे वाले के साथ क्या मामला है आप जा कर के जो है कोर्ट में जा कर के देख लीजिए कि तो वालदे के साथ क्या मामला है थोड़ा सा भी करीब से जा कर झांक के देखिए तो हर पेरेंट्स नाला हैं अपने बच्चे से कोई खुश नहीं है फिर करीबी रिश्तेदारों का मामला देख लीजिए सोसाइटी में यतिमों का मामला देख लीजिए मस्किनों का मामला देख लीजिए हर आदमी जो ताकतवर पैसा वाला जो गरीबों को हड़पने ही के लिए तैयार है क्या उसको कोपरेट करेगा फिर नमाज़ की हालत देख लीजिए भली बात करना तो अकड़ के बात करता है नमाज़ की हालत देख लीजिए ज़कात की हालत देख लीजिए तो ये बनी इसराइल का जो मामला था वो यहाँ भी मामला है तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसको भी जो है अल्लाह ने रसुआ किया आज उम्मत मुस्लिमा को रसुआ कर रहा वईज़ खजना मीसा का कुम लातश और जब हमने तुम लोगों से अहद लिया था एक और क्या था कि लातसफून दिमाग तुम लोग आपस में खून नहीं बहाओगे यानी एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे खून नहीं बहाओगे अवला तो खरजु अनफ सकुम मंदियाारम और तुम लोग अपने आप को अपने घरों से नहीं निकालोगे यानी एक दूसरे को बनी इसराइल बनी इसराइल को ऐसा जो है मजबूर ना कर दे कि वो घर बार छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाए सुम्मा करर तुम फिर तुम लोगों ने इकरार किया था हाँ हम लोग ऐसा करेंगे मिलजुल के रहेंगे कोई किसी को नहीं भगाएगा सब जो तो मेल मोहब्बत से रहेंगे व अन तुम तशद तुम लोग इस पर शाहिद भी हो ये सब पूरा मामला हो गया था वादा वही लेकिन फिर क्या हुआ सुम्मा अन तुम हाउला तख्तुलफम फिर तुम ही लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो व तुख फ़रीक़ मिनकुम मंदिया रही अब तुम में से एक फरीक़ है तुम लोग निकालते हो अपने में से एक फरीक को उनके घरों से तजा हरून आलिम मदद करते हुए एक दूसरे का उनके खिलाफ बिल इसम व गुनाह का साथ देते हुए और ज़्यादती करते हुए तो ये उन लोगों की जो है हिस्ट्री गवाह है कि ये एक दूसरे में बारह कबीले बहुत ज़्यादा फाइटिंग करते थे जैसे समझिए कि शिया सुन्नी की लड़ाई है ना देवबंदी बरेली की लड़ाई वैसे इन लोगों में भी शदीद लड़ाई थी अब मामला क्या था कि वैया तो कुमसारा तो फादो हम और अगर वो लोग तुम्हारे पास आ जाएं क़ैदी बन कर के तो तुम लोग फिदिया दे करके उनको छुड़ाते हो मुहर्रम मुहर्रमराज हम दर हाले के उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग अल्लाह ताला को मानते तो हो लेकिन आधा अधूरा मानते हो अल्लाह को मानने के मुराद क्या है अल्लाह के अकाम को मानना तो हंड्रेड परसेंट तुम लोग नहीं मानते थे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दो हुक्म दिए समझिए कि तुम लोग आपस में खून खराबा नहीं करोगे और कोई एक दूसरे को घर से बाहर नहीं करने नह, नहीं निकालेगा यानी इतना ना सताओगे वो घर छोड़ करके भाग जाए तो एक तो यह है कि कोई किसी को घर से नहीं निकालेगा नंबर एक और बाय द वे कोई बनी इसराइल का बंदा किसी वजह से बाहर गया किसी ने उसको पकड़ करके गुलाम बना लिया कैदी बना लिया तो अगर पता चल जाए कि हमारा बनी इसराइल का कोई बंदा गुलाम है किसी के पास कैद में है तो पूरे बनी इसराइल की जिम्मेदारी होगी कि वो पैसा दे करके उसको छुड़ा करके ले आओ चाहे उसके लिए तुमको चंदा करना पड़े कुछ भी करना पड़े लेकिन इसराइल जो है दूसरे के कैद में नहीं रहेगा तो अब इस पर बहुत सख्ती समर्थ कहीं भी पता चल जाए कि बनी इसराइल का जो है गुलाम है अब जैसे यहाँ पर गांव में मारे पीटे तो बेचारा गांव छोड़ करके भाग गया अब भाग रहा था तो दूसरा कबीला ने पकड़ के उसको गुलाम बना लिया जैसे ही पता चला कि हमारा फलां बंदा फलां गांव में फ़लाँ आदमी का गुलाम बन गया है तो आप उसको छोड़ाओ लाओ चंदा करो अब चंदा करने में तो बहुत ज़्यादा घबला होता है उसमें मज़ा बहुत आते हैं तो इस पर बहुत सख्ती से अमल हर जुमा को समझे ऐलान हो रहा है फ़लाँ कैदी को छुड़ाना है चंदा के लिए फलाँ इसको छोड़ाना देख रमज़ान में जो है मुसलमानों में भी जो है कैदी बम्बई में कैदी को छुड़ाना है दिल्ली में छोड़ाना, पे छोड़ाना है यहाँ पर छुड़ाना है यानी कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएंगे कि मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार ना हो वो फ्री हैंड देंगे गवर्नमेंट को कि आप आ उठा के ले जाओ लेकिन फिर छुड़ाने के लिए चंदा खूब होगा फिर बड़ी बड़ी जो है तंज़ीमें आएँगी कि हम जो है नौजवानों के केस लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये हैं वो हैं उसमें क्या है कि खूब खूब उनको माल पानी मिल जाता है दस करोड़ बीस करोड़ चंदा हो गया एक करोड़ रुपया जो है छुड़ाने में लग गया तो ये बनी सरायल वाला पूरा पैटर्न मिलेगा तो अल्लाह ताला ने कहा कि दो हुक्म दिए थे न कि तुम किसी बनी सराइल को गांव से बाहर ही मत करो वो बाहर जाएगा तो तो कैदी बनेगा ना तो उस पर तो अमल नहीं किए गरीब कमजोर को इतना सता कि गाँव छोड़े हुए मजबूर हो गया और जब वो गाँव छोड़ा और बाहर जा कर के कैदी हो गया तब फिर उसको पैसा दे करके छोड़ा तो उस पर वो सख्ती से अमल है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिया था कि किसी बनी इसराइल को निकालना नहीं है अब वे अगर वो किसी वजह से गुलाम हो जाए तो उसको छुड़ाना है तो छुड़ाने वाले बात पर तो खूब सख्ती से अमल था लेकिन वो निकालने वाले मामले पर अमल ही नहीं था तो इसका मतलब यह है कि तुम फिफ्टी परसेंट अल्लाह ताला की बात माने और अल्लाह ताला की बात नहीं माने अब इस पर अल्लाह ताला का गुस्सा देखिए अफतु मनून अबिबाजिल किताब व तखफ़रून बिबाज़ क्या तुम लोग किताब के बाद हिस्से पर ईमान रखते हो और हिस्से का इनकार करते हो यानी कैदी वाले हिस्से पर तो खूब हम यकीन है अमल है लेकिन ना निकालो इस पर तुम्हारा अमल ही नहीं है अल्लाह तो ताला ने कहा अगर कोई ये तरीका अपना ले कि आधा पे मानेंगे आधा नहीं मानेंगे तो फमा जजाओ मैफल कमिनकुम तो क्या सजा होगी उस शख्स की जो ये हरकत करे तुम में से अजुन फिलहत दुनिया सिवाय ये कि दुनिया में उसको रसवा कर दिया जाए अवैमयामती और शद्दीज़ और क्यामत में उसको शदीद तरीन अजाब से दो चार कर दिया जाए तो ये देखें आधा अधूरा ईमान अल्लाह तला को एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन आज धड़ल्ले से मुसलमान को आप देखेंगे नमाज में जो है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही होना चाहिए लेकिन कारोबार में जितना डंडी मार सको ना बस चले तो अलग बात है बकिया जितना बस में हो खूब खूब ये करना है तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि भाई कारोबार में भी खुदा ही देख रहा होता है नमाज़ में भी खुदा ही देख रहा होता वम अल्लाह बफ़िलन अम्मा तमलोन और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है जो तुम लोग करते हो। होदीन अश्तरवल हयात दुनिया बिलाआर है यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को ख़रीद ली है आखरत को दे करके यानी आखरत को दाव पे लगा करके दुनियावी ज़िंदगी को ले ली है यानी किसी बनी इसराइल आप पड़ोस में है वो कमज़ोर है आप उसको दबाएंगे सताएंगे मारेंगे पीटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा घर बार छोड़ करके खेत खलिमान छोड़ करके भाग जाएगा चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा उसके पड़ोस में जो घर है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे आप आने पाने में ख़रीद लेंगे तो दुनियावी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा लेकिन ये दुनियावी का थोड़ा सा फ़ायदा जो है वह आख़रत का आपको बर्बादी हो जाएगी तो उलाकीन अश्तरा हयात दुनिया बिल आखिर यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीदा है आख़रत के बदले में तो फ़लाह ख़ाब तो अज़ाब इन लोगों से तखफ़ी नहीं किया जाएगा हल्का भी नहीं किया जाएगा ना इनकी मदद की जाएगी तो ये देखिए कौर, दरस कुरान की ही बरकत है कि ये बात आप समझ लीजिए कि हंड्रेड परसेंट इस्लाम अल्लाह ताला के नज़दीक एक्सेप्टेबल है ये आधा अधूरा मोमिन अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं तो अब आप समझ जाइए कि जो लोग कुरान सुनते हैं पढ़ते हैं और वो हंड्रेड परसेंट अमल ना करें तो वो तो आखिरत में अगर का नाकाम हो गए ना उस बिल्ला तो कितना मिस करेंगे कि मैं तो इतना कर ही रहा था फिफ्टी परसेंट बल्कि सिक्सटी परसेंट कर रहा था थोड़ा सा और जोर लगा देता तो क्या जाता कोई बताया ही नहीं कि ये हमारा सब्जेक्ट है जैसे मैट्रिक में कोई बता दे आपको कि दस सब्जेक्ट है पाँच में पास हो जाओगे चलेगा तो आप पाँच ही पे फोकस करेंगे ना नहीं कोई कहते नहीं नहीं दसों में तैंतीस परसेंट चाहिए कम से कम तो आप पास होने की कोशिश तो करेंगे ना यहाँ सब्जेक्ट ही आपको किसी ने गलत बता दिया है कि आपकी नमाज़ ठीक है तो मामला भी आपका पार हो जाएगा तो फिर आखिरत में तो उसको गरीबान पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे कि तुम सही दिन क्यों नहीं बताए हमको तुम आधा अधूरा क्यों बताए तो इस लिहाज से तो फिर उस वक्त तो गरिबान पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा कराम मौजूद था कि नहीं मौजूद था आखिरी हिदायत के लिए मैं उलमा को भेजा था या अपनी किताब नाजिल किया था तो बिजनेस करने के लिए अल्लाह ने दिमाग दिया था तो क़ुरान समझने के लिए क्यों नहीं दिया था साइंस की किताब समझ रहे थे तो अल्लाह के कलाम क्यों नहीं समझ रहे थे एक दो साल नहीं समझे साठ साल नहीं समझ में आई बात तुमको तो हर कोई भी मशीन ख़रीदते हो तो फौरन उसका जो है बुकलेट पढ़ते हो कि इसमें क्या कायदा कानून है वारंटी कितनी है गारंटी कितनी है तो थोड़ा सा अल्लाह ताली का कलाम भी तो देख लो क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी का पूरा मेटर है आख़रत की पूरी ज़िंदगी उस पर दाव पे है कि क्या अल्लाह ताला का सलेबस है पासिंग मार्क्स क्या है अजीमत का राह क्या है ये सब पता करो अब फिर बनी इसराइल इसरा वलकद आतेना मूसल किताब और यकीन हमने मूसा आलम को किताब अदा की थी मूसा आई साम को किताब दिए थे इसमें कोई शक नहीं है कौन सी किताब तोरात सबको मालूम है वक़्फ़ना इमबादब रसूल और उसके बाद हम पेदरब पे रसूल भेजते रहे यानी नबी को भेजते रहे अवतिन मरियम न मरियम्बैनात और हमने ईसा इबन मरियम को वाज मजा के साथ ना देखा मूसीम को भी मज़ा दिए और ईसा आलाम को भी मजा दिए बनी इसराइल के मूसा सलाम भी नबी हैं और ईसा आल्लाम भी नबी हैं बनी इसराइल जो उम्मत बनी है ये मूसा सलाम के दौर में और उनके आखिरी नब रसूल जो हैं वीसीम हैं। बीच में जितने भी हैं वो सब अम्बिया राम हैं तो उनको भी खूब बड़ा बड़ा मौजा दिया गया दो अटैच मवजा था मौसा को एक डंडा का मौजा एक जदबेज़ा का मवज़ा और ईसीम को तो आप जानते ही हैं कि मुर्दा को जिंदा कर देते थे उम्मिज़न अंधा को ठीक कर देते थे कोड़ी को ठीक कर देते थे उन तो उनका वजूद ही मौजा मौजा है बिना वालद के वह पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मूसा आलाम को किताब दी और उनके बाद पेदर पे रसूल भेजे फिर लास्ट में क्या हुआ न नई न मरियमबैनान और ईसा इबन मरियम को भी हमने वाज मजा से नवाजा फिर वाइदनाब कुदस और हमने उनकी तायद की रूहलकुद के ज़रिए से यानी जबरीलम के ज़रिए से जब रोमन अम्पायर के पुलिस पकड़ने आए तो जबरीलम उनको ज़िंदा आसमान पर ले आसमान को फाड़ कर तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतने रसूल भेजे मुसलसल रसूल भेजे फिर भी तुम लोगों का हालत क्या थी हालत ये थी कि लमा जाकुम रसूलुम तो जब तो क्या भला जब जब रसूल आया तुम्हारे पास बे ला लातवान फसकुम उस चीज़ को लेकर के जो तुम्हारे नफ्स को पसंद नहीं थी यानी वो तालीमात को लेकर के जो तुम्हारे जी को पसंद नहीं आती थी इश्तबर तुम तो तुम तकबर कर देते थे नहीं ये तो नहीं होगा हमसे वो तो नहीं होगा हमसे अ वफरीन काजब तुम व फरीकान तख्तलून और ख़ुद सुधारने के बजाय रसूल को ही जो है हाथ डाल देते थे कुछ के बारे में तो तुम इक्तफ़ा किए कि तुम से झुटलाने पर इतफ़ा किए और वफरीका एक ग्रुप को तो तुमने कत्ल ही कर दिए जैसे यही आसलम ईसा आलाम पर भी तो इन लोगों ने हाथ डाल ही दिए थे और तो अल्लाह ताला ने आसमान पर तो उठा लिया यही को उसमें आता है कि एक बादशाह था और वो जो है एक औरत पे फिदा हो गया और ये यही रोकते थे टोकते थे तो उस औरत के रिक्वेस्ट पर यही को शहीद कर दिया गया वो किसी मूड में था उसने मांगा उस अपनी जो महबूबा से कि बोलो जो बोलोगे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूँगा उसने कहा कि ये यही का सर चाहिए कहा ठीक है दे देते दे. हैं इतनी सी बात पे नबी को कत्ल कर दिया आप समझ जाइए ये जसारत कितनी थी लोगों की तो का कसब तुम वफरीका तख्तुल तुम लोगों ने तो झुटला दिया और बहुत सारे को कत्ल भी कर दिया तब आप समझिए कि आजकल कराम का अगर इज़्ज़त नहीं है तो बनी इसराइल का दौर अगर मत मुसलिमा में जारी है तो कराम को टेंशन लेने की ज़रूरत है भाई कत्ल नहीं कर रहे हैं जी शुक्रिया अदा कीजिए वेरी थैंक्स वरना बनी इसराइल तो अम्बिया के राम को कत्ल कर दिया करते थे और ये उम्मत भी कत्ल की है आपको मालूम नहीं कि कहाँ कत्ल हो रहा है सऊदी में जाके देखिए देखिएमा के राम को हक बोलने पे कितना कत्ल हो रहा है मिस्र में जाके देखिए पूरा पूरा खेप इमा के राम के ख़त्म कर दिए जॉर्डन में जाके देखिए यू में जा देखिए एक बात अगर हक हाँ की बात बोल दीजिए नहीं कल आपकी जो है बॉडी तक नहीं पता चले कहा गई क्या आपको पता चलता गजा में ये हो रहा है तो क्या सऊदी में कोई आलिम बोलने वाला नहीं है आज बोलता कल गायब हो जाता है तो इस ला से आप ये मत समझिए कि ये लोग छोड़ दे रहे हैं जहां जहां बोला जा रहा है वहां वहां कतल पूरा मिस्र साफ है से। बिल्कुल सन्नाटा बगल में कतल आम जा है मिस्र से आवाज नहीं उठ रही है क्यों नहीं उठ रही है सारे को दबा दिया गया खत्म कर दिया गया तो फफरीकन कजब तुम वफरीका तख्तलून और फिर लोग कोई समझाते थे तो फखरिया कहते थे वकाल कलू बना गुल्फ और कहते थे कि हमारे दिल गिलाफों में आपकी बात का असर हम पर नहीं होने वाला है आप कितना भी सर पटक लीजिए हम पे कोई असर नहीं करेगा अल्लाह ताली ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ़ महफूज़ नहीं है बल्कि बलह बल्कि अल्लाह ताली की लानत हो गई है बेकुफ्रिम इनके कुफ्र के नतीजे में तो फ़लीलम्मा युमन तो बहुत कम है जो ईमान लाने वाले हैं तो ये अल्लाह तला ने कहा तुम लोग मलबू हो गए हो तो अल्लाह ताली जो है गवारा ही नहीं कर रहा है कि तुम्हारा वजूद जो है मत मुसलिम में आए अब अल्लाह तला ने फ़रमाया कि वलम्मा जा हम किताब उमनदिल्ला जब उनके पास आई किताब अल्लाह की तरफ से यानि कुरान मजीद मुसदमा माहूम जो किताब तस्दीक करती है उसकी जो उनके साथ है यानि यह कुरान मजीद तस्दीक करती है कि उनके पास जो तौरात इंजील ज़बूर है वो भी अल्लाह की तरफ़ से थे बस ये कि उसमें लोगों ने अपने तरफ से थोड़ा सा खलत मलत कर दिया है कमी बेशी कर दिया है और हालत क्या है कि वकानु मिन क़ब हो यस्तफ़ून आल ये लोग इससे पहले फ़तेह की दुआएं मांगा करते थे काफ़िरों के खिलाफ इसी नबी के हवाले से ये कहाँ का नक्शा है मदीने का मदीने में तीन कबाइल थे यहूद के कैन का बनु नज़ीर बनु, बनु करेजा और दो कबीले थे काफिरों के औस खजरज तो ये इन दोनों के आपस में लड़ाई रहती थी औस खजरज की लड़ाई मुश्किन की यहूदियों के साथ तो पैसे वाले थे यहूद कर्जा दे दे करके दबाए रहते थे लेकिन उन लोगों का जब दिमाग ख़राब होता था तो फिर वो लोग जो है पीट पाट देते थे तो जब जो है तलवार निकाल लेते थे जंग में तो जंग में यहूदी जीत नहीं पाते थे क्योंकि वो बुजदिल होते थे तो फिर जो है फेस सेविंग के लिए क्या बोलें तो वह बस ये बोल देते थे अच्छा ठीक है अभी तो तुम हम लोग को मार पीट के चले गए लेकिन आखिरी रसूल की आमद आमद है बस अन करीब वो आने वाले हैं सारी अलामतें जाहिर हो चुकी हैं पूरी हो चुकी हैं बस वो आने ही वाले हैं और उनके साथ जब हम मिल करके जो है जंग करेंगे तो तुमको जो है ये कर देंगे तो फिर हम तुमको जो है पूरा हिसाब बदला कर देंगे तो ये आखिरी रसूल के हवाले से ये लोग फतेह की दुआएं मांगा करते थे काफ़रों के ख़िलाफ़ और जब आखिरी रसूल आए तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए क्यों क्योंकि हमारे में से क्यों नहीं आए तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी हालत देखो देखोलम जा हम किताबु मिनिल्ल मुसद माह हम वक़ानबल यस्तफ़्नाल नदीन कफ़र हो फ़लम्मा जा हम जब वो आ गए उनके पास माआरफू जिसको वो पहचान भी गए कफ़रू भी तो उनका इनकार कर दिए फ़लातुल्ल काफ़रीन त्लानत हो अल्लाह ताली की ऐसे काफ़रों पर बेसमझ तू भीनफ़सूम बहुत बुरी चीज़ है कि जिसके बदले इन्होंने बेचा अपने आप को अक़रूबी बेमान सलल्ला कि वो इनकार करते हैं उस चीज़ का जो अल्लाह ने नाजिल किया है बगन ज़िद्दम ज़िद्दा की वजह से हसद की वजह से किलल्लाफल अन्य ज़ल अन्फ़ल अमाम शाह मा दी कि अल्लाह ताली नाजिल करता अपने फ़जल में से जिस बंदे पर चाहता है ये असल लड़ाई थी कि सारे रसूल बनी इस्माइल बनी इसराइल में से आए आखिरी रसूल उधर क्यों आ गया इस वजह से हम नहीं माने और आज भी आप देखेंगे मद मुसलिम में बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए सारे कन्विंसिंग हो जाएंगे आंसू गिरा देंगे बाद में पता चलेगा ये तो हदीस हैं अरे सब खराब एह हदीस के मस्जिद में आप जा खुतबा दीजिए कहेंगे आप जैसे खुतबा तो किसी ने दिया ही नहीं आज तक बाद पता चलेगा कि मैं तो हनफी हूँ अरे गुमराह नंबर वन है अपना नहीं है बिल्कुल ज़ीरो से ज़रब देकर ज़ीरो कर देंगे अपना हो तो तुम हक पे हो और अपना नहीं हो तो तुम कुरान हदीस भी पेश करोगे तो तुम हमारा नहीं हो ये मेयार है अपना फिरका का है तो जाहिल नंबर वन भी जो है मुजाहिद आजम है ये आप तजुर्बा करके देख लीजिए तो इनके यहाँ भी यही था आखिरी रसूल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सारी निशानियाँ पा गए बस एक जिद की वजह से कि बनी इसराइल मिस नहीं है बनी इसमाइल मिस यह हसद बहुत ख़तरनाक चीज़ है पहला मर्डर जो हुआ है वह हसद के जैसे हुआ है हाबील और काबिल का तो इस लिहाज से हसद बहुत ख़तरनाक बीमारी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बे समझ तर बेनफसमकफ़रू बीमान जलल्ला बगैन अन्य जलल्ला फ़जल आलाशा बद फ़बा बेबिन अला ग़ब तो वो लौटे अल्लाह का ग़ब पर ग़ब ले करके वनील काफ़रीन आज़ाब महीन और काफ़िरों के लिए रसवा कर देने वाला अदाब है अवैसा क़ीम आमन बिमान जलल्ला और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ला उस चीज़ पर जो अल्लाह ने नाजिल किया है यानि कुरान मजीद पर कलु नोमिन बिमानंजल अलैना वो कहते हैं नहीं हम ईमान लाते हैं उस पर जो हम पर नाजिल हुआ अवैक फ़ुरून बमरा और वह इनकार करते हैं उसका जो इसके अलावा है यानि हम पर जो नाजिल होगा हम उसको मानेंगे हम पर जो नाजिल नहीं होगा हम उसको नहीं मानेंगे वहाल हक़ को मसद कल्ल माम दरा हाल है कि वह हक है और वह तस्दीक करने वाला है उस चीज़ की जो उनके साथ है तो कुल तो आप कहिए कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हारी यही आर्गमेंट है कि हम पर जो ये नाजिल हुआ है उसको हम मानेंगे हमारे ख़ानदान से बाहर जो उसको नहीं मानेंगे फॉर द सेक ऑफ आर आर्गमेंट इस पर भी तुमको तोल लेते हैं तो कुल आप पूछिए इनसे कि फलिमा अल्लाह तो तुम लोगों ने अल्लाह के अम्बिया को क्यों कत्ल किए मिन कबल इससे पहले इनकुन तुम मोमिन अगर तुम मोमिन हो यही सलमाम तो बनी सराल में से थे कि नहीं थे जकरिया बनी सराल में से थे कि थे नहीं थे ईसा आलम बनी सराल में से थे उनको क्यों कत्ल किए तो इसका मतलब यह है कि ये भी जो ख़ानदान वाला जो एक्सक्यूज़ है ये भी लेम एक्सक्यूज़ है असल मामला सुधरना नहीं तुम तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में वो एक जो है ऑप्शन निकाल लिए कि हमारे खानदान के नहीं मानेंगे ईसा सलाम no? तो तुम्हारे खानदान में से थे ना तो उनमें क्यों नहीं माने उनको भी तो फांसी दे दिए अपने हिसाब से यही सलाम तो बनी सरली से थे ना जकरिया सलाम तो बनी सर से थे ना खुद मूसा सलाम तो बनी सराल में से थे ना उनके ऑर्डर पर जो है क्या तुम लोग निकले थे तो मामला यह है कि तुम लोग नफ्स के पुजारी हो तुम लोग शरीत के पुजारी नहीं हो वलकत जाक मूसा बिलबैनत और यकीन मूसा आए थे तुम्हारे पास वाज मजात के साथ सुमत तस्तुमरी जिले में बाधे उसके बाद भी तुम लोगों ने बछड़ा को महबूद बनाया था वन तुम म हो जबकि तुम ओ तो उनकी मौजूदगी में तीस चालीस रोज़ के लिए गायब हुए हैं और तुम लोग बछड़ा को महबूद बना करके रखिए वईज़ अदना मीसा को कुमर याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता हद लिया था वारफाना फोकम मतूर और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद कर दिया था और उस वक्त कहा था खुजू माते नाकु में कुआ पकड़ो जो कुछ भी मैं तुमको दे रहा हूँ पूरी क़ुत के साथ और वसमाऊ और गौर से सुनो ये बात पहले भी आ चुकी है कल के दर्स में भी कलु समेना उन्होंने कहा कि हमने सुना वह आसैना और इनकार किया बोलो और फिसल किया वशरबूफ हीजलब रहे और उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत उनके कुफ्र की वजह से पिला दी गई थी तो कुल आप कह दीजिए बेसमायमरकुम बेईमानक तुम ममिन बहुत बुरी चीज़ है जिसका हुक्म तुम्हारा ईमान तुमको देता है अगर तुम हो अब यह है कि यहूदियों का एक बहुत ज़्यादा गुर्रा था अपने आप को कि हम लोग अल्लाह तला के चहेते हैं लाडले हैं तभी तो इतनी शरीयतें इतने किताब किताबें इतने रसूल ये सब आए तो हम लोग अल्लाह ताला के चूज़े हैं चीज़ा बंदे हैं तो हम लोगों को अल्लाह तबारक वाली इस्पेशल ट्रीटमेंट करेगा जैसे दुनिया में जो है इस्पेशल रखा ना आखिरत में भी इस्पेशल रखेगा तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस्पेशल हो तो फिर जो है अल्लाह तला के पास जाने की थोड़ा सा जो है जल्दी करो महबूब जो है मुहिब से मिलने के लिए मतमनी रहता कि नहीं रहता तो कुल आप कह दीजिए इन इनकान लकमत दारखर अगर तुम लोगों के लिए आख़रत का घर फ़िक्स है इन अल्लाह के पास खालस ख़ास तौर से मिंदू नास लोगों के अलावा दूसरे लोगों के मुकाबले में अल्लाह के नज़दीक तुम लोगों का खास मुकाम व मरतबा है तो फतः मौत तो मौत की तमन्ना करो इन कुन तुम सदी अगर तुम लोग सच्चे हो तो यानी जन्नत तुम्हारे लिए फ़िक्स है तो फिर दुनिया में इतना झमेल क्यों है जल्दी से तमन्ना करो और अल्लाह ताला के पास जाके जन्नत में चले जाओ लेकिन अल्लाह ताला ने तमन्ना हुआ अबम बेमा मुद्दमत ए दहीम हरगिज़ हरगिज़ ये लोग मौत की तमन्ना नहीं करेंगे अबदन कभी भी बेमाकदमत ए दिहम बसबब इसके कि इनके हाथों ने जो भेजे हैं इनको खूब मालूम है कि हमारे जो अमाल कैसे हैं जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे अलीमु बिज़ालमीन अल्लाह खूब जानता है ालमिमों को बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि ये मौत की तमन्ना क्या करेंगे जितने भी दुनिया में इंसान हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीने के यही हरीस वना से या और तुम लोग ज़रूर ज़रूर पाओगे इन यहूदियों को लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस ज़िंदगी पर जिंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस जो है ये यहूदियों को ही पाओगे और लदीन आश्र को और उन लोगों को जिन्होंने शिर किया है यव अहद हम लव अमरफसन इन इनमें से हर एक की ख्वाहिश यह है कि काश के उन्हें हज़ार साल की उम्र मिले देखिए वमाहब अमर अल्लाह तब से रहा किया कि यह हज़ार साल को उम्र पा भी जाए तब भी ये अजाब से बचने वाले नहीं हैं तो असल में यह है कि अगर आप हज़ार साल पा जाएं या दो हज़ार साल पे उसके बाद हमेशा हमेश के जो है अगर आग है तो वो खसारा ही है कौम नू अगर साढ़े नौ सौ साल तक इंजॉय की तो अब तो फिर वो क्या हालत में है तो अल्लाह तला ने कहा कि तुम पाँच सौ साल की ज़िंदगी की तमन्ना करो या हज़ार साल की उसके वजह से तुम अजाब से नहीं बच पाओगे अजाब से बचोगे नेक अमाल कर लो तो हमेशा के लिए जन्नत पा जाओ वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून अल्लाह ताला जानता देख रहा है जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं अब अल्लाह तबार तआला ने इन लोगों के जो है एक और राज को फाश किया कि इन लोगों को गुस्सा हो गया किससे जबरीलम से अब जिब्रील जबरीलम ने कहा कि मेरा क्या कसूर भाई तो उनका कसूर क्या कहते थे कि ये कहते उनमें से कुछ लोग ऐसे थे उनका कहना ये था कि देखिए सारे रसूल आए हमारे ख़ानदान में अब जबरील आलम का काम था लाने का इस बार उन्होंने डंडी मारे हमेशा जैसे भेजा जाता था बनीसराल में जाओ फलां को रसूल बना दो तो इस बार भी आखिरी रसूल इधर ही आना था ये अपनी मर्जी से जो है बनीसवाल की तरफ गए तो ये हम उन लोगों से दुश्मनी कर लिया है टिकट हमारे लिए था उधर टिकट दे दिया तो आप देखें अल्लाह तला ने इसको क्लियर किया कुल आप कह दीजिए मन कान अद जबरील जो कोई दुश्मन होगा जबरील का तो फ़ैन नू नज़्लहु आलाकल्बिक बिजन तो बेशक उन्होंने नाजिल किया है आपके कलब मुबारक पर अल्लाह की इजाज़त से अपनी मर्ज़ी से नहीं मुसद्द नई जो तस्दीक करता है उस चीज़ की जो उनके सामने हैं और वह दूँ अबूशालमोमिन और जो हिदायत भी है बशारत भी है मोमिनों के लिए तो यह अल्लाह तला ने कहा कि यह भी गलत फहमी दूर कर लो कि जबरील्लाम ने जो है अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं किए हैं बल्कि अल्लाह ताला ने फर भेजा था कि आपको यहीं जाके देना है तो वहाँ दिए फिर अल्लाह ताला ने क्लियर कट कह दिया मन कान अद्लिला जो कोई दुश्मन होगा अल्लाह का व मलाकत ही उसके फ़रिश्तों का व रसुल ही उसके रसूलों का व जबरीला वमी कला और ख़ास तौर से जबरील का और मीकाइल का फाइन अल्लाह अदब काफरीन तब बेश अल्लाह भी दुश्मन होगा ऐसे काफरों क्योंकि ये सब एक यूनिट हो जाते हैं एक से दुश्मनी सब से दुश्मनी का आयातम बैनात और यकीन हमने नाजिल किया के तरफ आयात बैनात यानि वाज आयात वमा याकफरबहहाफासकून और इसका इनकार नहीं करते हैं मगर फ़ासिक लोग जो लोग ये अच्छे लोग हैं वो तो लपक के इसको कबूल करते हैं अब अहद अहदन भला जब जब इन लोगों ने अहद किया कोई भी अहद नब फरी़ उमिन हो इन से एक फरीक ने उसको फेंक दिया ज़रूर भी ज़रूर यानि कभी भी बनी इसराइल का ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुक्म आया हो और पूरी कम्यूनिटी ने जो है हाथों हाथ लिया एक ना एक ग्रुप जो है उसका इनकार किया बल है बल अक्सर हम लायुमिन बल्कि उनकी अक्सरीत जो है ईमान लाने वाली नहीं है वलमा जाम रसूल मिन दिल्ला जब रसूल आए उनके पास अल्लाह के पास से मुसद्लमआम तस्दीक करते हुए उस चीज़ की जो उनके साथ है न बज़ फरीक मन लदीनआतल किताब तो उनमें से एक फ़रीक जिनको किताब दी गई थी फेंक दिया अल्लाह की किताब को वराज हो अपने पीठ के पीछे कान लाया लमोन गोया कि वो उसे जानते ही नहीं थे तो ये किताब जो रसूल लाते हैं कि ताकि इसको पढ़ो अमल करो दुनिया बनाओ ये भी आप समझ जाइए कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुरान पढ़ना समझना यही बहुत बड़ी नेकी है जबकि ये अल्लाह ताला का फजल है कि यह नेकी है जबकि असल मामला क्या है कि आपको कुरान पढ़ने के लिए इसलिए मजबूर किया जाता है कि आप समझ के पढ़ो ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जान सको कि आपकी जिम्मेदारी क्या है मैनिफेस्टो पढ़ लो भाई बुकलेट पढ़ लो ताकि तुम जान सको कि तुमको अब करना क्या है बचना क्या है किससे सिर्फ पढ़ना ही अगर कमाल लेता तो फिर तो इसमें जो है हराम और हलाल का तस्करा ही नहीं रहता तो पढ़ने के लिए जो मजबूर किया जाता है कि भाई आपको जो ज़िंदगी गुजारनी है तो हिदायत के तो की रोशनी में ज़िंदगी गुजारिए तो अल्लाह ताला की गाइडलाइन कहाँ है तो ये कुरान मजीद में है इसमें से पढ़ करके रोशनी लीजिए फिर माशरे में आप उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारिए अपनी रिस्पॉानसिबिलिटी को जो है तय कीजिए कि हमारे ऊपर बींग मुस्लिम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर कुरान की रोशनी में वो जिम्मेदारी अदा कीजिए तो असल पढ़ने का फायदा है वरना अल्लाह ताला सारे पूरे कुरान मजीद के जरिए से आप पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे और आप गए मैं तो कुरान समझ रहा था तो कुरान इसलिए नहीं समझ रहे थे कि उसको जो है समझने पर ही स्वब है बल्कि इसलिए जो स्वाब दिया गया कि तुम अमल की नीयत से समझ रहे थे तो समझने में भी एफर्ट लगा है उस पे अमल करने में भी एफर्ट लगा है तो उस एफर्ट का तुमको सवाब मिलेगा तो इस लिहाज से जो है इस नीयत से बैठिए इस नीयत से सुनिए कि हम जानना चाहते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कुरान क्या बताता है किस चीज़ को इम्फेसाइज़ करता है किस चीज़ को नहीं करता है अभी तीन दिन तरावी हो गए ना आठ रिकत बीस रिकत का चैप्टर आया इसमें रफे का चैप्टर आया ज़ोर से आमीन धीरे से आमीन का चैप्टर आया क्या चैप्टर आ रहा तीन दिन से पढ़ रहे बनी इसराइल बनी इसराइल बनी इसराइल तरावी शुरू हुई बनी इसराइल क्यों बनी इसराइल के क्या अहमियत है बार बार यहीं पर लैकिंग हुई है कि बींग उम्मत मुसलिमा तुम्हारे ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी थी कि तुमको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ उम्मत बनना था गॉड बनना था बनी इसराइल नहीं बने इसलिए माजूल किए गए अब तुम लोग उस पोजिशन पर हो अब अगर तुम लोग भी नहीं निभाओगे तो तुमको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा जैसे उन्हें रिजेक्ट किया गया था तो जहां पर जो उम्मत फेल हुई है वो तुमको आईना दिखाया जा रहा है रुकू में दिखाया जा रहा है लेकिन हम लोगों की लड़ाई जो है वो रमजान आते ही आठ रिक्रावी बीस रिकत जोर शाम धीरे शाम चला तो तस्वीर में क्या पढ़ना है कुरान का ये चैप्टर ही नहीं है बल्कि आपका एज ए रिप्रेजेंटेटिव गॉड होने के नस्बत से आपकी जिम्मेदारी का ये बता रहा कि बनी इसर के बारे में स्टडी करो वो क्यों माजूल हुए और उसके जगह पर तुमको क्यों अपॉइंट किया गया तो वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी इसके वजह से तुमको खैर उम्म कहा गया था तो आप ये समझिए तो इस लिहाज से आप समझ जाइए कि ये बनी इसर की स्टोरी नहीं चल रही है वो एक आयना दिखाया जा रहा है कि एक उम्मत फेल हो चुकी थी दूसरी उम्मत लाए गए दूसरी उम्मत भी सो गई उसको भी अल्लाह तौला ने जरिलुखार कर दिया आज देख लीजिए हालत जो है तो फ़रीक़मदीन किताब किताब अल्लाह अल्ला वराजरम ला यालमून अब ये लोग जो है किताब को जो है पीठ पीछे फेंक दिएगा उस पर अमल ही नहीं करते थे पढ़ते ही नहीं थे तो अमल करना तो दूर की बात है तो फिर करेंगे क्या खाली जगह तो कहीं रहेगी नहीं तो अब इसमें क्या करते थे ये लोग झाड़ फूँक जादू टोना ये सब पूरा आ गया तो व तब मातयातिन इन्होंने इतबा की उस चीज़ की जो शैतान इसको पढ़ते पढ़ाते थे अला मुल्क सलेमान सुलेमान सलाम सुलेमान की बादशाही में यानी अम्बिया के राम किताब दे करके गए शरीयत दे कर गए उसको तो पीठ पीछे डाल दिए तो अब अमल किस पे करते थे तो अमल करते थे सुलेमान सलाम के किंगडम में जो इंसानों और जन्ातों का जो जो है हुई थी एक साथ काम करते थे कारखाना वगैरह में तो उसमें जो उसने कुछ सिखा उखा दिया जादू टोना उसके पीछे पड़ गए जादू सीखना है ये करना है वो करना है क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं जाएंगे तो नेगेटिव तो जाएंगे ही आप तिलावत नहीं करेंगे तो रील देखेंगे कुछ तो करेंगे तो अल्लाह तला ने कहा ये किताब को जब पीठ पीछे फेंक दिए तो फिर सीखते सिखाते क्या थे तो फिर जादू टोना सीखते थे ये जादू टोना कहाँ से आया तो अल्लाह ताली ने कहा कि सलाम दुआ किए थे कि अल्लाह ताली हमें एक ऐसी किंगडम दे जो मैचलेस किंगडम है तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी तो उनको जो है इंसान जिन्ना दोनों पर अख्तियार दे दिए थे तो वो दोनों जो है एक साथ कारखाने में काम करते थे बड़े बड़े देग वगैरह बनाते थे लगन वगैरह बनाते थे तो काम करते करते वो जो पट्टी बढ़ा देता था तो वहाँ से जो है वो जादू टोना सब जो है वो शुरू हो गया तो अब वही सीखना सिखाना एक बड़ा काम जॉब तो अल्लाह तला ने कहा कि व तब मातल्सयातिनल के सलेमान उन्होंने इतबा की उस चीज़ की जो शैतान तलावत करते थे उन पर मुल्क सुलेमान में यानी सुलेमान सलीमान की बादशाहत के दौर में वमा गफ्र सुलेमान लेकिन बी अवियर सुलेमान सलेमान ने गफ्र नहीं किया यानी ये जादू का जो इजाद है ये सलेमान नहीं किए सलेमान दौर में ज़रूर फ़रोग पाया है लेकिन वो किस वजह से पाया है क्योंकि कारखाने में एक साथ काम करते थे तो वो सिखा देते थे तो ये लोग जो है उसको जायज़ करने के लिए सुलेमान सलाम का नाम लगा दिए थे नक्श सुलेमानी अल्लाह ने कहा वमा गफ्र सलेमान सलेमान ने कुफ्र नहीं किया था वला कि न शयाती न गफर हो बल्कि शैतान थे जो जिन्होंने कुफर किया था कैसे कुफ्र किया था कि यूमून नासर को लोगों को जादू सिखाते थे क्योंकि जादू कुफ्र है तो ये अल्लाह तौ ने बार बार क्लियर किया क्योंकि ये लोग सलेमान को बदनाम कर दिए थे अपना धंधा चमकाने के लिए देखिए जादू के जो काट के तौर पर झाड़ सीखना अलग है और जादू करने के लिए जो है अमल करना अलग है तो बहुत सारे आलिम रहते हैं जो आप कहेंगे कि हम आपको इतना पैसा देते हैं हमारे खानदान में वो बहुत तरक्की करा उस पर जादू कर दीजिए कहेगा कह लाइए पैसा वो भी तैयार है और फिर आप कहेंगे हम पे जादू हो गया उसको काट दीजिए लाइए पैसा कर तो दोनों अलग से अलग चीज़ है तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि इन लोगों ने ऐसा किया था अब जो आदमी जिस चीज़ में पड़ जाता है ना अल्लाह ताला उसको वो ऐसी आजमाइश भी दे देता दे दे है अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोगों का एक और आजमाइश कर देता हूँ वमा जिला बेबाब अल हारूत व मारूत ये एक तो ये है कि सुलेमान अलैहि सलाम के दौर में जो शैतान ने इनको पट्टी पढ़ाया जादू टोना का उसके पीछे पड़ गए कि हर घर में जादू टोना सीख रहे हैं तो हम सिखा रहे हैं वही एक बहुत बड़ा हुनर हो गया और दूसरी बात क्या किसके पीछे पड़ गई है कि जो कुछ भी हमने दो फरिश्तों पर नाजिल किया था बाबुल में यानी बेबलोनिया इराक में यानी हारूत और मारूत फरिश्ते पर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग जादू टोना पड़ गए हो तो चलो तुम लोगों के और कड़ी आजमाइश कर देते हैं दो फरिश्ते को अल्लाह ताला ने भेज दिया हारूत और मारूत आसमाम को कि जाइए और बनसराल को जादू सिखाइए जादू तो कुफ्र है तो वो आए आजमाइश के तौर पर अब वो कह दिए कि देखो मैं जादू सिखाने के लिए तैयार हूँ लेकिन जान लो जादू हराम है अब सीखना तो सीखो और नहीं सीखना तो मत सीखो लेकिन मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा कि मैं आजमाइश के तौर पर आया हूँ फिर भी तुम बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा ये इम्तहान था तो लोगों ने कहा हाँ सिखाइए फिर अल्लाह तला ने कहा कि इन लोगों की मत मारी गई थी कि सीखते भी तो किस लिए ये नहीं कि फ़ायदा हो रहा उससे बस हसद के आँग बुझाने के लिए क्या सीखते थे सबसे अहम काम किया था उसमें कि अच्छा क्या सीखना चाहोगे किसी बच्चे को फेल कर देना किसी गाड़ी के एक्सीडेंट करा देना क्या सीखना चाहोगे हमको सिखाइए कि शोहर बीवी में सेपरेशन कैसे कराएं इससे क्या होगा दोनों घर जो है जब जम, खूब जमा हुआ मेल मोहब्बत से चल रहा है टूटेगा मजा आएंगे लड़ाई होगी देखेंगे अब इससे तो कोई फ़ायदा ना कि दूसरे के घर टूटने से आपको तो कुछ नहीं मिलेगा हसद के आँग सुकून मिलेगा तो अल्लाह ताला ने कहा कि हासी जो होता है ना वो दूसरे के अपने दुख से कम परेशान रह था दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान रह था तो अल्लाह ताला, ताला ने कहा इसके लिए ये लोग अपनी आखिरत बर्बाद करते थे यानी जब फितरत मश्क हो जाती है ना तो ये लेवल आ जाता है और आज भी आप देखें लोग कई कई हज़ार रुपये खर्च करते हैं अपने ख़ानदान को डिस्ट्रॉय करने के लिए कज़िन को बर्बाद करने के लिए जाके भिवंडी भे, में तो एक कारखाना है समझिए इसका हर आलिम लेके बैठा हुआ है अक्सर व आप देखेंगे ने वाली से जाके पहुंच जाएंगे देखिए तो ये देखिए अल्लाह और आज भी तुमत मुसरमा में भी कोई भी आप ले करके एक करोड़ रुपया लेके बैठ जाइए कहीं पर आप कह दीजिए कि देखो भाई ये इंटरेस्ट का पैसा है चाहिए तो ले लो नहीं तो नहीं लो देखिए कितने लोग मना करते हैं सौ में से कहेंगे अच्छा ठीक है दे दिए मजबूरी है बच्ची की शादी है बच्ची की शादी में क्या पैसा खर्च करना ज़रूरी है तो पहले एक चीज लाजिम करते फिर उसके बाद इंटरेस्ट को जायज़ कर देते दे दीजिए लैटिंग ही बनवा लेंगे क्या है गलत पैसा गलत जगह लगा देंगे तो हराम हलाल करने दे आराम से तो ये देखिए इनके भी हालत यही थी तो वमा उनसे अल ने बेबाबल हारूत वमारूत ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये लाजमी नतीजा रिजल्ट निकलेगा अगर किताबुल्ला को कोई छोड़ेगा तो ये बात समझ लीजिए ऊपर से कनेक्ट कीजिए इसको अगर किताब को पसपुस डालेंगे तो आपके माशरे में इसी चीज़ का परवान चढ़ेगा अब आप कहेंगे कि ये सब ख़त्म होना चाहिए जादू टोना हंसद जलन ये वो तो उसके लिए फिर आप एक ही इलाज है क्या है जिसको पीछे डालें उसको आगे लाइए क्या किसको आगे लाइए किताब को लाइए हर औरत जब जो है कुरान पढ़ रही होगी पढ़ा रही होगी दरस कुरान सुन रही होगी सुना रही होगी फ़ाजिल टाइम में वही काम में इंगेज होगी और रोज़ाना उसका ब्रेन वॉश हो रहा होगा सफाई हो रही होगी तो वो जादू टोना की तरफ जाएगी तो जब आप कुरान से दूरी कर देंगे तो फिर गैप में क्या रहेगा यही सब रहेगा तो बनी इसराइल में ये बीमारी कहाँ से आ गई क्योंकि उन्होंने किताब को पीछे डाला तो अल्लाह तबारा ने येरफात को आगे कर दिया आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है साल इनकलाब आए तो आप किताब को आगे लाइए तो ये सब पीछे जाएगा किताब को पीछे करेंगे ये सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी टॉर्च जलाएंगे तो तारीख़ी भागेगी टॉर्च को बंद करेंगे तारीखी आ जाएगी ये है तो वमा उन जिला अलमलिन ने बाबिल हारूत व मारूत और जो कुछ ये लोग पीछे पड़े किस चीज़ के जो कुछ भी नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर बे यानी बाबुल शहर में हारूत और मारूत अलीसलाम पर अब ये देखिए वो सब कहते थे वमाय आलमान मनादीन और वो दोनों नहीं सिखाते थे किसी को भी हती यकूला यहाँ तक कि वो दोनों पहले कह देते थे क्या कह देते थे इनमा नान फितनातुन बेशक हम फितना हैं यानी हम आजमाइश के तौर पर भेजे गए हैं तो फ़लाँ तकफ्र तो तुम लोग जादू सीख करके कुफर मत करो फिर भी अल्लाह तज़माइश के तौर पर भेजा है कि देखो इम्तहान लो जा कर के कौन लेता, कौन, लेता कौन नहीं लेता फिर भी वो लोग कहते थे कि नहीं सिखाइए अब फिर सीखते भी क्या थे ये देखिए फ़ैत आलमुन मिनहुमा तो वो लोग उन दोनों से सीखते थे माएफ़र्रकू न बी उस चीज़ को जो उनके दरमियान जुदाई डाल देते हैं बैनल मरे वसू मर्द और उसकी बीवी के दरमियान अब अल्लाह ने कहा तमा बज़ारी न भी मिनादिन बिजनिल्ला और वो लोग इसके ज़रिए से कुछ भी नुकसान पहुँचाने वाले नहीं थे किसी का भी मगर अल्लाह की इजाज़त से यानी यह भी नहीं है कि अगर कोई जादू सीख लिया तो उसका बेड़ा गर्क हो ही जाएगा अल्लाह की इजाज़त होगी तभी होगा लेकिन अल्लाह तबारक व तै की इजाज़त का एक पैटर्न असूल है आप ज़हर खाएँगे अल्लाह की इजाज़त होगी तो ही आप उस पर जो है असर होगा लेकिन अल्लाह तला ने एक सिस्टम बना दिया है तो असर होता है तो इसी तरह जादू का भी असर हो जाता है वमा वमाहम बेजारिन अबी मिनादिनला बीस वयतमायजुरहम वलाफा और वो लोग सीखते थे उस चीज़ को जो उन्हें नुकसान पहुँचाता था और वो उस चीज़ को सीखते थे जो उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचाता था यानी किसी का घर उजड़ जाने से आपको दस रुपये तो नहीं मिलने वाला है लेकिन फिर भी सीखते थे टाइम देते थे उसमें वालकदालम हो और उन्हें खूब मालूम था कि लमन इश्तरा हो जिसने इसको ख़रीदा यानी जादू को ख़रीदा मालो फ़िल आखरतमिनखलांग आख़रत मुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा यानी आखरत बर्बाद हो जाएगी फिर भी सीखते थे वाला बेसमाशर बेनफसम तो बहुत बुरी बात है कि जिसके अवज़ इन्होंने अपने जानों को बेचा लव आलमोन काश के इनको इल्म होता इसके बदले में करना क्या चाहिए था कि वलव अनह आमनों अगर वो लोग हकीकी ईमान लाते व तको तकवा की ज़िंदगी अख्तियार करते लवा सब तो अल्लाह के पास जो बदला बातें खैर वह बहुत बेहतर होता तो ज़िंदगी में ये अपनाना चाहिए था ईमान लाते तकवा की ज़िंदगी अख्तियार करते लव कान यालमोन काश के इनको हकीकत का इलम होता तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे चारिकत पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है फिर बकिया आगे पढ़ेंगे